जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज। आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट है, रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के फाउंडर अध्यक्ष वी रवि जी हैं। इनसे हम संस्था और कैडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ये वीडियो सभी ट्रैक मेंटेनर के बीच शेयर कीजिए, जिससे वो उनके बीच भी जागरूकता फैले, वो अपने अधिकार मान सम्मान के लिए लड़े और यूनिटी का परिचय दें। सभी दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। आप वी रवि जी आरकेटीए में कौन से पद पे हैं और इसका फाउंडर मेंबर के रूप में आप जाने जाते हैं? वर्तमान में मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आरकेटीए में देखने को मिल रहा है 2 महामंत्री और 2 अध्यक्ष। वही तो कौन महामंत्री और कौन अध्यक्ष को रियल और जिन्यून माना जाए, संविधानिक माना जाए, ये ट्रैकमैनों के बीच काफी असमंजस्य की स्थिति है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। संविधानिक तौर पे देखो, मैं उसका एक कोई भी संगठन या एक बायलॉज होता है जी, और बायलॉज के तहत मैं उसका संस्थापक हूँ जी, और बायलॉज में इसका प्रारूप है, उसमें नियम रखे हुए हैं और संगठन के तहत और संस्थापक के तहत, तो मैं संस्थापक ही हूँ जी, है ना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तो हूँ, है ना, लेकिन जो एक राष्ट्रीय कमेटी होती है किसी भी संगठन का, है ना, राष्ट्रीय कमेटी का जब मीटिंग होती है उसमें जो निर्णय लिया जाता है, है ना जी, उस पर अमल करना पड़ता है, वर्किंग कमेटी जो बोलते हैं, कार्यकारिणी सदस्यों का जो मीटिंग होती है, है ना जी। तो यदि ये गणेश राव यदि अपने आप को जनरल सेक्रेटरी का बोलता है जी, तो आरकेटीए का मीटिंग का भी अटेंड क्यों नहीं किया इसरो ने? और यदि ये अपने आप को इतना ही आवश्यकता समझता है पद का, तो इसने तो साफ साफ कहा है कि मैं दूसरा संगठन बना लूंगी, मीटिंग अटेंड नहीं किया, और मीटिंग में हम सब कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा जो स्पीकर ऑन करके हम लोग किए थे फोन जी, उसमें ये इसका ये जवाब था कि मैं दूसरा संगठन बनाऊंगा। अच्छा, तो जब इनको आरकेटीए की आवश्यकता नहीं थी तो पद की भी उनकी आवश्यकता नहीं है ना जी, तो आज ये इनको आरकेटीए ही क्यों चाहिए? फिर आरकेटीए का फिर क्यों दिखा रहा अपने आपको? अच्छा। जब 12 तारीख को खड़गपुर में मीटिंग हुआ, राष्ट्रीय मीटिंग, उसमें ये अटेंड क्यों नहीं हुए? पहला क्वेश्चन है ना, जब अटेंड नहीं हुए उससे पहले भी उनको बहुत रिक्वेस्ट किया गया, नहीं किए, तो फिर अभी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब उनको स्पष्ट रूप से निकाला गया, पत्र निकाला गया, पत्र भेजा गया उनको, है ना जी, भाई आपको जैसे मैं हम संगठन निकालता है, यदि मेरे को निकालता है संगठन, तो मैं मेरे को क्या आवश्यकता है? यदि संगठन से मेरी कोई शिकायत रहेगी तो मेरे को संगठन में जाकर जवाब मांगूंगा ना, ये नहीं कि मैं व्हाट्सएप में और फेसबुक में या फिर अन्य माध्यम से मैं अपने आप को दिखाते रहूंगा पोस्टर के माध्यम से जी, ये उचित है क्या, बताइए जी। जब उनसे सवाल जवाब के लिए उनको जब मीटिंग किया गया, मीटिंग आयोजन किया, उसमें क्यों उन्होंने अटेंड नहीं किया? एक चाहे NFIR हो, ARF हो, है ना, BJP हो या कांग्रेस हो, सारे संगठनों का एक कोर कमेटी होती है ना जी, बिल्कुल, भले वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, लेकिन उनके अध्यक्ष की बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं मानते हैं फिर? क्या ऐसे दिशाहीन करने का ट्रैकमैनों को, बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको संगठन बनाया है ना, इस संगठन को तोड़ने का क्या आवश्यकता है इनको और क्यों करना चाहिए इनको? सवाल का जवाब देना चाहिए ना मीटिंग में जी। अच्छा, तो आपके कथनानुसार संवैधानिक रूप से आप अभी अध्यक्ष हैं और बिल्कुल, और इसको संवैधानिक तौर पर हटाया जा चुका है, बिल्कुल जी, गणेश्वर राव जी को संवैधानिक तौर पर हटाया जा चुका है। इस सवाल पे कई ट्रैकमैन ये आरोप लगा रहे हैं
एक जो कैडर से संबंधित नहीं है, चूंकि आपने आपका जो है आप ट्रैकमैन में नहीं है, आप ट्रैकमैन है नहीं, और आरकेटीए एक ट्रैकमैन का प्योर और सियोर संस्था है, इसमें कर्मचारी सब ट्रैकमैन होंगे पदाधिकारी के रूप में, ऐसा तो फिर आपने किस आधार पे गणेश्वर राव को हटाया और आप अभी बने हुए हैं? अच्छा अंसारी जी जी, अभी आप बोले संविधानिक तौर पे, ठीक है जी, संविधान में क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, अच्छा, रेलवे कर्मचारी होना चाहिए जी, एक बनने के लिए, है ना, कोई भी पद लेने के लिए, सदस्य लेने के लिए, इसका जो प्राथमिक क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं योग्यता बोलते हैं, है ना, तो राष्ट्रीय नेशनलिटी होनी चाहिए भारतीय। अच्छा, यानी कि आरकेटीए के संविधान में ये नहीं है कि ट्रैकमैन होना अनिवार्य है? अनिवार्य ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अभी अभी आप और संस्थापक कैसे चेंज हो सकता है बताइए। हाँ, ये संस्थापक के विषय में एक चीज, एक जो चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आपके एक बायला का शॉर्ट क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि वी रवि जी संस्थापक सदस्य है और उनको आजीवन कोई हटा नहीं सकता है, वो कार्यकारिणी पद पे बने रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो फिर तो आपने ये संस्था आपने सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज किया, आपको कोई हटा ही नहीं सकता, आप इसमें तानाशाही डिक्टेटरशिप भी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, यदि ऐसा रहता है ना जी, क्योंकि देखिए वो पॉइंट इसलिए रखा गया है कि कल का डेट में कहीं पर भी असमंजस की स्थिति आती है जी, है ना, पद को लेकर या संगठन को लेकर कोई तोड़ने का प्रयास करता है, तो उस समय ये स्पष्ट रूप से अपना पावर रहे कि संगठन को बचाने के लिए, ये आखिरी पॉइंट रखा गया था इसका, अन्यथा मैं आपको स्पष्ट बोला हूं ना कि मैं संगठन अपने नहीं बनाया, ट्रैकमैन के लिए बनाया मैंने, और आज भी मैं स्पष्ट रूप से कहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आके ले, क्यों, एआरपी वाले को मैंने तो ऑफर दिया ना, बोला ना, अच्छा क्यों बोला, तो फिर यदि ऐसा मैं पद का लोभी रहता तो, अच्छा, और आज नहीं, जब मैं संगठन बनाया ना उस समय मैं अपने आप को किसी पद पे रखा नहीं, मालूम आपको, नहीं, मैं तो आज भी बोलता हूँ मैं एक सलाहकार के रूप में काम करूंगा, अच्छा, मेरा एक उद्देश्य है कि ट्रैकमैन ऊपर पहुंचे, जब गणेश राव को एजीएस के लिए ऑफर दिया ये एनएफआर ने, ऑफर तो मेरे को आया था, अच्छा, तो मैं नहीं ले सकता था क्या जी, पद तो मैं लेता आराम से, ये पद का लोभी रहता तो जी, हाँ, और संस्थापक की बात रही ना, तो संस्थापक कभी भी चेंज नहीं होता है, अच्छा, है ना, वो आजीवन रहता है। तो इस पे एक सवाल ये उभरता है सर कि संस्थापक आप आजीवन रहेंगे और आरकेटीए में कोई भी बदलाव होगा या कुछ भी होगी तो वो आपकी मर्जी से ही होगी? नहीं ऐसा नहीं, आपका हस्तक्षेप होगा 100%? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा कतई नहीं है, उसमें ये कहा गया लास्ट ओ दिया गया, आखिरी, जैसे राष्ट्रपति के पास आखिरी मोहर रहती है ना, अच्छा, कि संविधान में जब सभी चीज का ये त्रुटि ये हो जाती है, जैसे क्या बोलते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है आप लोगों का, तब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होती है ना जी, उसी प्रकार से जैसे संगठन में यदि कोई असमंजस्य की स्थिति आ जाती है उस समय संगठन को संभालने के लिए सारी शक्तियां जो है संस्थापक के पास रहता है। अभी आरकेटीए का संवैधानिक रूप से महामंत्री कौन है सर? प्रमोद डांगी जी हैं। प्रमोद डांगी जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक शब्द एआईआरटीयू के विषय में बोला है, एआईआरटीयू को आपने क्या ऑफर दिया था? नहीं, एआईआरटीयू को मैं बोला कि दोनों संगठन एक करके चलाओ, अच्छा, है ना, हाँ, एक करके चलाओ, और मैं अभी नहीं, जब वो लोग एआरपी बना रहे थे उसी समय मैं गया था बड़ोदरा, अच्छा, हाँ, बोला कि यार आप लोगों को क्या चाहिए, पद चाहिए ना, पद के लिए तो आप लोग कर रहे हैं ना, तो मैं अपना पद दे देता हूँ, मैं पद एक, मैं एक, आप लोग चाहेंगे तो मैं सलाहकार के रूप में काम करूंगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं वो भी नहीं काम करूंगा, कि मेरा तो उद्देश्य है कि एक केडर को आगे बढ़ाना है, अच्छा, है? इस केडर के लिए दुर्भाग्यवश इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी सारी समस्याओं का जूझना पड़ता है लड़कों को,
एक एक छुट्टी के लिए एक पीडब्ल्यूआई का तानाशाही का सहन करना पड़ता है, है? ये जब उद्देश्य क्या है अपना, कैडर का भलाई करना है, कैडर का ये हित में काम करना है ना, कैडर का कल्याण बस। अरे संगठन 10 बना लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। क्या 10 संगठन बना देना समस्या का समाधान हो जाता है क्या? नहीं होगा। यानी कि आप एक मंच पे आने को तैयार हैं? बिल्कुल क्यों नहीं यार, क्या क्या रखा क्या है? और आप अपना पद भी त्याग करने को तैयार हैं? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। मैं अपने आप को मैं बोल रहा हूँ, जब आरकेटीए जब बनाया ना जी, तो उस समय भी मैं कोई पद में नहीं रखा अपने आप को। ये तो लास्ट मोमेंट में, आखिरी मोमेंट पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए उस समय में लेना पड़ा, अन्यथा मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहा हूं ना। अच्छा अभी बताओ जुबेर भाई, मैं 2011 का आरआरबी में निकल गया जी, ठीक है। आरकेटीए कब बना? आरकेटीए कब बना? 2013 में, 2015 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2015 ठीक है जी। 2011 में आरआरबी से मैं दूसरा विभाग में जाने के बाद 2012 में ज्वाइन किया, मेडिकल वगैरह होने का मेरा सब होके, है ना। 2012 में एसएससीआरटी का गठन किया मैं जी, ठीक है जी। एसएससीआरटी बिलासपुर, फिर एसएससीआरटी बिलासपुर सिर्फ जोन तक सीमित है करके हमको चाहिए था राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि जितनी भी सारी समस्याओं का समाधान रेलवे बोर्ड से होना है राष्ट्रीय, जहां जिस भी जोन में मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो महसूस हो रही थी कि राष्ट्रीय लेवल का संगठन होना जरूरी है जी। तो राष्ट्रीय लेवल पे बनाया 2015 में, ठीक। और 2013 में हम लोग वहां दिल्ली में धरना दिए, तो अब बताओ मैं ट्रैक में नहीं रहकर दिल्ली में धरना दिया है ना, जिन जिन मुद्दों को मैं लेके चला हूँ आज भी वही मुद्दों को एआरटीयू लेके चलता है, हाँ, आज भी चाहे गणेश राव भी हो, कोई भी हो, किसी का भी संगठन, वही मुद्दे हैं, वही सारे मुद्दे हैं, है ना। अच्छा लेट मी कम्प्लीट। यदि ट्रैक में नहीं होकर मैं हार्ड ड्यूटी अलाउंस को इतना फोकस किया ऑल ओवर इंडिया में, मैं उसको इतना हाईलाइट किया उस मैटर को, और दिल्ली में धरना दिया 2013 से लेके 17 तक कंटिन्यू हम लोग धरना दिए है ना, तो क्या मैं नहीं जानता था कि मेरे को हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा? मैं किन के लिए लड़ रहा हूँ? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं ट्रैक में नहीं होकर आपके लिए इतना कुछ समय दे रहा हूँ, मेरी सारी छुट्टियां दे रहा हूँ, मैं साथ में पैसा खर्चा करके जाता हूँ, कोई मेरे को बोल दे कि कोई एक व्यक्ति से मैंने 2700 लिया करके, पूरे हिंदुस्तान के ट्रैकमैनों से किसी से भी बोल दे कि कोई भी व्यक्ति कि मेरे को 2700 दिया है कि सर इसी पे एक छोटा सा सवाल उभरता है कि आखिर आप ट्रैकमैन ना होते हुए भी ट्रैकमैन के लिए इतना सोच रहे हैं, आखिर कौन से लालच आपके दिल में है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या लालच है इसमें? मैं तो अभी बोल रहा हूँ ना आपको ना कि पद की कोई ऐसा लालच ही नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको यदि रेल के समाज के लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ जुबेर भाई, जितने भी संगठन उसमें हैं, फेडरेशन है, सबके सब रिटायर्ड पर्सन है जी, आप नोटिस किया है? हाँ, सभी क्यों होना चाहिए बताइए? नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई सवाल किया? नहीं किया ना। लेकिन एक वीर रवि ट्रैकमैनों के लिए संगठन बनाया, ट्रैकमैनों के लिए इज्जत बढ़ा रहा है, ट्रैकमैनों का समाधान कर रहा है समस्याओं का, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा जी। क्यों तकलीफ हो रहा है बताइए ना, कि क्या ट्रैकमैनों से दुश्मनी है? हैं? मैं कैडर मर्जिंग के विषय में मैंने सपोर्ट मांगा, क्यों फिर मेरे हिसाब से फिर लोग मान रहे हैं? मैं तो कितना हो गया, 8 हो गया मेरे को, है ना। 8 में जब से भी मैंने संगठन बनाया, क्या मैंने अपने विभाग के लिए एक भी समस्या का विषय को रखा कहीं पर? राष्ट्रीय लेवल पे जब मैं लड़ रहा हूँ तो क्या अपने विभाग के लिए कभी रख सकता था कि नहीं रख सकता था? आप सर एज ए ट्रैकमैन कितने वर्ष काम किए रेलवे में? 8। अभी आप वर्तमान में किस पद पे हैं? मैकेनिकल में, टेक्नीशियन 1 में। टेक्नीशियन 1